आज हम बनाने वाले हैं कलाकंद, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दीपावली वाली स्पेशल होगा, तो आप लोग इसे ज़रूर दिवाली के दिन बनाइए, और कैसा बना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया है एक पैन, हमने लिया है हाफ लीटर मिल्क, इसमें देसी घी है, और ये इस तरीके का कंटेनर चाहिए हमें। आप प्लास्टिक का, मेटल का, कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम घी अच्छे से लगाकर इसमें हम डालेंगे, और हाफ लीटर दूध में कितनी शुगर डालती है उतनी हम उसमें यूज़ करेंगे। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। और अब हम इसे फ्लेम हाई कर इसको रख देंगे। तब ये उबल आएगा जब हम इसे मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि नीचे से पकड़े नहीं, इसलिए क्योंकि नीचे जमना शुरू हो जाता है, इसलिए हम इसको हिलाते रहेंगे। आप इसकी मदद से भी हिला सकते हैं, इससे अच्छे से मिक्स होता है, या इस तरह की कोई स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम उबाल आने तक इसे छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं दूध उबल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको इसकी मदद से मिक्स करते रहेंगे। आप इस पे को हाई पे मत रखिए, लो एंड हाई की स्पीड पे रखिए, यानी कि फ्लेम को हाई और लो के बीच में ही रखें। इसको हम बिना रुके चलाते ही जाएंगे तब तक के ये कलाकंद बनना शुरू ना हो जाए, तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे, यानी मिक्स करते रहेंगे। और इसमें अब हम शुगर ऐड करेंगे। जब दूध इस तरीके से पकना शुरू होगा हम इसे छोड़ देंगे। बाद में हम इसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए अभी के लिए छोड़कर हम इसमें इस कंटेनर में हम अच्छे से घी लगा देंगे, क्योंकि हमें बाद में लगाने का टाइम नहीं मिलेगा और हम रुक नहीं सकते। आप देखिए इस तरीके से इसमें अच्छे से लगाइए, जितना ज़्यादा लगाए उतना अच्छा आपको टेस्ट आएगा। इसे पूरा अच्छे से नीचे से ऊपर तक आप अच्छे तरीके से लगा दीजिए। लगाने के बाद आप इसे ऐसे ही रख दीजिए। आपका जब कलाकंद रेडी होगा हम इसमें इसे डायरेक्ट डाल सकेंगे, क्योंकि हम जब लगाकर डालेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी और वो नीचे पकड़ लेगा, इसलिए हमने इसे पहले ही लगा दिया। अब इसे मिक्स करते रहें तब तक कि गाढ़ा ना होना शुरू हो जाए, क्योंकि इसको हमें सुखाना है। तो आप इसमें बिल्कुल भी वाटर ऐड ना करें, यानी कि पानी बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि हमें कलाकंद
बनाने में बहुत देर लग जाएगी दूध को सुखाने में, इसलिए आप 1 ड्रॉप भी वाटर इसमें ऐड ना करें। आप देख सकते हैं हमारा दूध कितना गाढ़ा हो गया है। आप इसके साइड्स में चेक करिए कितना गाढ़ा दिख रहा है आपको। इसके बाद हम इसे इसको ऐसे ही हलाते रहेंगे और वो कलाकंद के शेप में धीरे धीरे आने लगेगा। आपको इसकी थिकनेस बहुत लगने लगी होगी तब आप, यानी कि देखिए आप डॉट्स देख सकते हैं, कलाकंद बनना शुरू हो गया है यानी दूध थकना शुरू हो गया है। तो आप इसको लो फ्लेम पे कर दीजिए क्योंकि नीचे से पकड़ लेगा। अब इसे हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये ड्राई होना शुरू हो गया है। आप इसे अपना हाथ तेज चलाइए और इसे अच्छे से मिक्स करिए। बिल्कुल भी ना रुके। इसका कलर हल्का सा गोल्डन या बिस्किट कलर का होने लगेगा तब हम इसे बंद कर देंगे। ये बनाने के बाद आप मुझे कमेंट करें कि ये वीडियो कैसा बना है और आप घर में भी इससे बनाकर ट्राई करें दिवाली के दिन। और आप इसे हम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये किस तरीके से बना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जल्दी करने की कोशिश में आप इसे फुल ना कर दें, फुल कर आप इसे जला देंगे। कितनी भी आपको लेट हो आप मीडियम फ्लेम पे पकाइए। अगर इस तरीके से ड्राई होना शुरू हो जाए तो आप फ्लेम को स्लो कर दीजिए। अगर आप वाइट कलाकंद बनाना चाहते हैं तो आप इसे अभी निकाल दें। अगर नहीं, जो हल्का सा चॉकलेटी और गोल्डन होता है, अगर आप वो बनाना चाह रहे हैं तो आप इसे और थोड़ा सा चलाइए। हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है।
देख सकते हैं आप इसका पूरा, हमने इसमें घी बिल्कुल भी नहीं मिलाया है, लेकिन इसका सारा घी निकलकर बाहर आ रहा है। अब आप फ्लेम को बंद कर दीजिए। और आप अब जब कढ़ाई गर्म ही हो तब आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर इसमें इसको अच्छे से मिक्स करें। तो ये सारा जो भी खलास है वो साइड से निकल आएगा। उसके बाद आप इसकी मदद लेकर इसे अच्छे से मिक्स करें। इसे एक तरफ करने के बाद आप इसमें इसे ऐड कर दीजिए। हमें फ्लेम क्यों बंद करना है, क्योंकि हम इसे रोककर इसमें घी ऐड करेंगे तब तक ये जल जाएगा। इसलिए आप इसे रोककर थोड़ा सा हलाइए, तब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब आप इसमें घी मिलाएंगे तो घी अच्छे से घुलकर इसमें मिल जाएगा। अब आप किसी भी स्पून वगैरह की मदद लेके इसे लेवल कर दीजिए। लेवल करने के बाद इसमें जो भी एक्स्ट्रा घी होगा आप अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप निकाल लीजिए। और आप इसमें घी कम ना लगाएं, एक्स्ट्रा ही डालें, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा होगा तो बाहर आ जाएगा इस तरीके से। तो मैं घी नहीं निकाल रहा हूँ, इसे इस तरीके से ही लेवल कर मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगा। आप इसे फ्रिज में ना रखें, बाहर ही ठंडा होने के लिए रखें। तो अच्छे से ये ठंडा होकर अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो हमारा कलाकंद ठंडा हो चुका है। अब हम इसे इस
तरीके से साइड्स में मारेंगे। मारकर इस तरीके से हम प्लेट रखकर इसे पलट देंगे। ये निकलने के बाद हम इसे पीसेस कट में कट कर देंगे। हमने इसे कट कर दिया है। आप चाहे तो इसके ऊपर बादाम भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से मैं मोटिवेट हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बाय।